रौनकपुर गांव में हरिया और तुलसी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा किया करते थे। लालसा उनकी इकलौती संतान थी। हरिया और तुलसी अपनी बेटी लालसा से बहुत अधिक प्रेम करते थे और लालसा को हमेशा खुश रखने की कोशिश में लगे रहते थे। एक बार की बात है, गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। लालसा अपने सहेलियों के साथ खेल ही रही थी, तभी काजल हाथ में एक सुंदर सा गाउन लेकर वहां आई और बोली, ये देखो मेरा नया गाउन। ये गाउन मेरे बाबा ने शहर से मेरे लिए खरीदा है। ये बहुत ही महंगे और सुंदर गाउन है। मैं तो इस बार इसी को पहनकर मेला देखने जाऊंगी। अरे वाह काजल, तुम्हारा गाउन तो बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं भी अपने बाबा से बोलकर नया गाउन खरीदवाऊंगी। गाउन? वो भी तेरे बाबा? तेरे बाबा तेरे लिए गाउन कभी नहीं लाएंगे। वो क्यों भला, क्यों नहीं लाएंगे? मेरे बाबा मेरी हर विश पूरी करते हैं। करते होंगे, पर वो तुम्हें गाउन कभी नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। तुम्हारे पिताजी हमारे खेतों में काम करके तुम सबका पेट भरते हैं। तुम लोगों के लिए यही काफी है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम जो चाहे खरीद सकते हैं। तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तुम सिर्फ मेरा गाउन देख सकती हो, ले नहीं सकती। मैं गाउन लूंगी, तुम बस देखती रहो, मेरे बाबा जरूर मुझे गाउन दिलवा देंगे। ये सुनकर उसकी सारी सहेलियां हंसने लगती है और लालसा गुस्से से घर आ जाती है। लालसा को गुस्से में देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हो गया मेरी गुड़िया रानी को? ये चांसा चेहरा टमाटर की तरह लाल क्यों है? माँ, काजल के पास बहुत ही सुंदर गाउन है और वो बोल रही है मेरे बाबा मेरे लिए वैसा गाउन कभी नहीं खरीद सकते। लालसा बेटा, तू तो बहुत समझदार बच्ची है ना? तुझे तो पता है तेरे बाबा कितनी मेहनत करके घर चलाते हैं, और गाउन तो बेटा बहुत ही महंगा आता है ना? हम भला उसे कहाँ से खरीद पाएंगे? मुझे वो सब नहीं पता, मुझे गाउन चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए। ऐसे जिद नहीं करते लालसा बेटा। लेकिन लालसा अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। तभी उसके बाबा भी घर आ जाते हैं। अब आप ही अपनी लाडली बेटी को समझाइए, काजल का गाउन देखकर उसकी तरह ही गाउन लेने का जिद कर बैठी है। ये सुनकर हरिया अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है, लालसा बेटा, मेले में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या पसंद है? जलेबी। मेला घूमने और जलेबी खाने के लिए नए गाउन की क्या जरूरत है? चलो मैं आज तुम्हें मेला घुमाकर लाता हूँ और मेला में मैं तुम्हारी पसंद की जलेबी भी खिलाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे कोई जलेबी नहीं खानी, मुझे तो बस मेरा गाउन चाहिए। आप कुछ भी करो, मेरे लिए कहीं से भी गाउन ला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लालसा जिद पकड़ बैठी थी कि उसे किसी भी कीमत पर गाउन चाहिए ही चाहिए। हरिया सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो गाउन खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से लेकर आए। अगले दिन हरिया अपने एक दोस्त के घर गया। रामू भाई, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अगले महीने ही तुम्हें लौटा दूंगा। इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं है हरिया, मेला घूमने के लिए मेरी पत्नी भी कई दिनों से पैसों के लेकर मुझसे झगड़ रही है, पर मेरे भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। ये सुनकर हरिया बहुत निराश होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं लालसा की माँ, कहीं से पैसे नहीं मिले। अब मैं अपनी बेटी के लिए गाउन कहाँ से लेकर आऊँ? जब पैसे है ही नहीं तो उसकी हर्जित पूरी करनी जरूरी नहीं है। अब वो बड़ी हो गई है, उसे घर की हालत समझनी चाहिए। आप उसे समझा दीजिए, वो समझ जाएगी। लालसा वहीं दूर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। अपने माँ बाबों को इतना परेशान होता देख वो उनके पास आकर कहती है, बाबा अब मुझे कोई गाउन नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए। ये हुई ना बात, तो मेरी समझदार बेटी है। उस दिन लालसा उदास थी क्योंकि उसे गाउन चाहिए था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उसके बाबा के पास तो पैसे है ही नहीं। अगले दिन लालसा कुएं पर पानी भर रही थी और सोच रही थी, मेरे माँ बाबा इतने गरीब क्यों हैं? काजल ने सच ही कहा था, मैं गाउन कभी नहीं पहन पाऊंगी। काश जादुई कहानियों की तरह
ये कुआं भी जादुई होता फिर तो मैं इस कुएं से जादुई सुनहरा गाउन मांगती। क्या तुमने मुझे पुकारा है प्यारी लड़की? कौन है यहाँ? मैं एक जादुई कुआं हूँ, तुमने अभी अभी मुझसे एक सुनहरा गाउन मांगा था ना, यह लो यह रहा तुम्हारा सुनहरा गाउन। कुआं के इतना बोलते ही लालसा के हाथ में एक सुनहरा सा गाउन आ जाता है। यह कोई साधारण गाउन नहीं है, यह एक जादुई गाउन है, तुम इसे जिस रंग में चाहो उस रंग में बदल सकती हो। क्या सच्ची? हाँ हाँ सच्ची। लालसा सुनहरी गाउन को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने माँ बाबा से जादुई सुनहरी गाउन के बारे में सब बताती है। भला ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ही हुआ है माँ, हमारा कुआं जादुई है। फिर लालसा अपने माँ बाबा के साथ कुएं के पास आकर कुएं को आवाज लगाती है, जादुई कुआं, जादुई कुआं। लेकिन जादुई कुएं में से कोई आवाज नहीं आती। मुझे तो यह कुआं बिल्कुल भी जादुई नहीं लग रहा। लालसा सच बताओ, यह गाउन तुम्हें किसने दिया? बाबा मैं सच कह रही हूँ, ये गाउन मुझे इसी कुएं ने दिया है और ये भी कहा था मैं जैसा चाहूँ वैसे रंग में इसे बदल सकती हूँ। एक मिनट रुको, जादुई गाउन लाल रंग का हो जा। लालसा के इतना बोलते ही सुनहरा गाउन लाल हो जाता है। ये देखकर हरिया और तुलसी दोनों हैरान रह जाते हैं। ये गाउन चाहे जहाँ से भी आया हो आखिर है तो जादुई ही, इसे पाकर मेरी बेटी खुश है, उसी में हम भी खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, आखिर मुझे गाउन जो मिल गया। अगले ही दिन लालसा उस गाउन को पहनकर मेला घूमने गई। लालसा के गाउन को देखकर उसकी सारी सहेलियाँ लालसा की खूब तारीफ कर रहे थे। वहीं घमंडी काजल लालसा के गाउन को देखकर जल रही थी। वहीं लालसा हर रोज गाउन का कलर बदल बदल कर उसी गाउन को रोज पहन रही थी। ये देखकर काजल बहुत परेशान हो जाती है। आखिर इस गरीब के पास इतने सारे गाउन कहाँ से आ गए, तो ये हर रोज नए नए गाउन पहन रही है, आज तो मैं इसके सारे गाउन चुरा ही लूंगी। जादुई सुनहरा गाउन चुराने के इरादे से काजल आधी रात को लालसा के घर जाकर उसका गाउन चुराकर भाग रही थी, तभी वह कुएं में जाकर गिर गई और डूबने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई बचा लो वरना मैं इस कुएं में डूब जाऊंगी, बचाओ बचाओ। काजल की आवाज़ सुनकर हरिया और तुलसी के साथ और भी गांव वाले कुएं के पास आए और काजल को कुएं से बाहर निकाला। काजल बेटा तुम कुएं में कैसे गिर गई और इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए थे? फिर काजल ने डरते हुए कहा, आंटी मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ लालसा का सुनहरा गाउन चुराने आई थी। जैसे ही मैंने उस गाउन को छुआ अचानक से मैं कुएं में गिर गई, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, मुझे माफ कर दो आंटी। तुलसी और हरिया अब समझ गए कि वाकई वो कुआं जादुई है और लालसा का वो गाउन उसी कुएं से निकला है। काजल भी अपने घर चले गए, उसे भी समझ आ गया था कि वो गाउन कोई साधारण गाउन नहीं बल्कि कोई जादुई गाउन है। उस दिन के बाद से काजल ने कभी लालसा के उस गाउन पर नजर तक नहीं डाली और लालसा अपने जादुई सुनहरे गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक समय की बात है, एक राजा अपनी तीन बेटियों के साथ राजमहल में रहता था। राजा की पहली बेटी का नाम डेजल, दूसरी फ्रेंस और तीसरी बेटी का नाम स्नो था। राजा बहुत ही दयालु था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था। राजा अपने राज्य से सोना चांदी का व्यापार करता था, उसे एक समुद्र से दूसरे स्थान पर भेजता था। राजा की दो बेटियां बहुत ज्यादा लालची थी और तीसरी बेटी स्नो बहुत ही दयालु और अच्छी लड़की थी। एक दिन राजा को खबर लगती है कि उसके भेजे गए नाव समुद्र में डूब गए हैं, जिससे उन्हें बहुत भारी नुकसान हो गया। नाव में बहुत सारा खजाना था जो कि पड़ोस के राजाओं का था। राजा ने अपना सब कुछ उन राजा को दे दिया और खुद एक झोपड़ी में रहने लगा। अब राजा का सब कुछ खत्म हो गया था। राजा की दोनों बेटी बहुत ज्यादा परेशान थी और तीसरी बेटी स्नो आराम से घर के सारे काम कर रही थी। स्नो की दोनों बहनें पूरा दिन बस अपने पिता को कोस रही थी और बेचारी स्नो अकेली सबके लिए खाना बना रही थी।
कुछ दिन बीत जाते हैं, तब राजा को पता चलता है कि समुद्र में एक जहाज वापस आ गया है, इसलिए वो पता लगाने के लिए समुद्र की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। मैं समुद्र पर जहाज देखने जा रहा हूँ, क्या पता जहाज में खजाना रखा हुआ हो। तुम तीनों मुझे बता दो कि तुम्हारे लिए वहाँ से आते वक्त क्या लेकर आना है, मैं वो लेते आऊँगा। दोनों बहनें अपने लिए कीमती कीमती सामान मांगती है। पापा आप मेरे लिए मोतियों के कंगन और झुमके लेकर आना। ठीक है मैं तुम दोनों की बात समझ गया हूँ। अगर जहाज में खजाना वापस मिल गया तो मैं तुम दोनों के लिए ये सामान ले आऊँगा। स्नो बेटी तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पापा आप मेरे लिए आते वक्त एक लाल गुलाब लेते आना और हाँ अपना ध्यान रखना। राजा अपनी तीनों बेटियों की बात सुनकर समुद्र के लंबे सफर पर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो समुद्र तक पहुंच जाता है, पर समुद्र की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहां तूफान आया हुआ था, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी हुई थी। तभी राजा देखता है कि उसका भेजा हुआ एक जहाज समुद्र के किनारे फंसा हुआ है। राजा अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र तट तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो जहाज की तलाशी लेता है, पर उसे जहाज में कुछ नहीं मिलता है। राजा ये देखकर निराश हो जाता है। मुझे लगता है कि जहाज का सारा खजाना समुद्र में डूब गया है और ये जहाज लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए तैर कर यहाँ आ गया है। अब मुझे खाली हाथ घर वापस लौटना चाहिए, तीनों बेटियाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। राजा को काफी दिन हो गए थे, वो अपने घर नहीं गया था। राजा समुद्र से घर की ओर निकल जाता है। राजा बहुत ज्यादा थक जाता है, वो आराम करने के लिए इधर उधर जगह ढूंढता है। तभी उसे एक किला दिखाई देता है जिसमें लाइट चल रही होती है। अरे लगता है यहाँ पर मुझे रहने के लिए और खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। आज मुझे यहाँ आराम कर लेना चाहिए, कल मैं फिर से घर के लिए निकलूंगा। चारों तरफ बहुत सुनसान था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। महल के चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। राजा अपनी मदद की उम्मीद में किले तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो किले के दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राजा महल के अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अकेले में चारों तरफ लाइट जल रही थी और डाइनिंग टेबल पर रात का खाना भी लगा हुआ था। वहां पर चिमनी में आग भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई रह रहा हो, लेकिन राजा को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो महल में आवाज लगाता है। कोई है इस महल में? कोई है क्या? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? राजा को बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आता और वो बहुत दिनों से भूखा भी था। वो टेबल पर रखा हुआ खाना खाने लगता है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और खाना गर्मा गर्म भी था, जैसे अभी बना हो। चिमनी की आग ने राजा को ठंड से बचा लिया था। खाना खाने के बाद अब राजा को नींद आने लगती है और वो जाकर कमरे में आलीशान बेड पर सो जाता है। जैसे ही राजा उस बेड पर सोता है, वो एक लंबे समय के लिए सो जाता है। यहाँ घर पर तीनों बहनें अकेली थी। दोनों बहनों को तो समय पर खाना पानी मिल रहा था, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। पर स्नो अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काफी दिन हो जाते हैं और जब स्नो के पिता वापस नहीं आते हैं, तो स्नो को उनकी बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है। वो अपनी बहनों से कहती है, देखो मुझे लगता है कहीं पिता किसी परेशानी में ना हो, हमें से किसी एक को जाकर देखना चाहिए। दोनों बहनों को स्नो की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद दोनों बहनें ये फैसला लेती हैं कि पिता को ढूंढने के लिए स्नो जाएगी और वो दोनों बहनें घर का काम करेंगी। स्नो अपने पिता को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है और वो अगली सुबह अपने पिता को ढूंढने के लिए घोड़े पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल जाती है। बाहर बहुत ठंड थी और बर्फ भी पड़ रही थी। स्नो के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, पर वो फिर भी अपने पिता को बिना ढूंढे घर वापस नहीं आती है। स्नो घोड़े पर बैठे बैठे काफी थक जाती है। स्नो को भी रास्ते में वही किला दिखाई देता है और वो वहां पर आराम करने की ठान लेती है। स्नो अपने घोड़े को बाहर बांध देती है और खुद महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाकर वो देखती है कि महल तो अंदर से काफी ज्यादा सुंदर है। महल में डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा हुआ है और ठंड को दूर करने के लिए चिमनी में आग भी जल रही है। स्नो को बहुत जोर से भूख लग रही थी, वो टेबल पर रखा हुआ खाना खा लेती है।
खाना खाने के बाद स्नो को नींद आने लगती है और वो सोने के लिए कमरा ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पिता बेड पर सो रहे हैं। स्नो अपने पापा को उठाती है। स्नो के पिता उठ जाते हैं और अपनी बेटी को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब स्नो अपने पापा को बताती है कि काफी दिनों तक जब वो घर नहीं आए तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। तब स्नो के पिता को ये पता चलता है कि उसे सोते हुए 5 दिन बीत गए हैं और ये सब उसे पता ही नहीं चला। दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। स्नो राक्षस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। राक्षस बहुत ज्यादा भयानक था। उसकी मोटी आवाज थी, तुम दोनों बाप बेटी में से बस एक ही व्यक्ति यहाँ पर रुक सकता है। एक को घर वापस जाना होगा। ये किला केवल एक ही व्यक्ति के लिए बना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पिताजी को घर भेज दीजिए। मैं यहाँ इस किले में रहने के लिए तैयार हूँ। पर बेटी, तुम यहाँ अकेले इस भयानक राक्षस के साथ कैसे रहोगी? अगर ये तुम्हें खा गया तो? नहीं नहीं, मैं स्नो को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, पर इस महल में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। राजा राक्षस की बात मान लेता है और वो अपने घर के लिए वापस चला जाता है। अब स्नो उस राक्षस के किले में रहने लगती है। रात काफी हो गई थी। स्नो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब वो सोकर उठती है तो उसके कमरे में पहले से ही उसके लिए कपड़े तैयार होते हैं। स्नो नहा धोकर उसे पहन लेती है। वो नीचे टेबल पर नाश्ता करने के लिए आती है। टेबल पर नाश्ता गर्मा गर्म तैयार होता है। स्नो गर्मा गर्म नाश्ता करती है। स्नो को जब किले में अच्छा नहीं लगता तो वो बगीचे में घूमने के लिए आ जाती है। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे जिन्हें देखकर स्नो को कुछ अच्छा लगता है। बगीचे से घूमकर आते वक्त स्नो को एक दरवाजा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और वो उसके अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि कमरा तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और बहुत महकी महकी खुशबू आ रही थी। जो इस कमरे को इतना सुंदर तरीके से सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। और ये किला तो राक्षस का है, पर अगर वो मेरा इतना ध्यान रखता है तो वह इतना डरावना क्यों है? स्नो को कुछ समझ नहीं आता है और वो कमरे में बैठकर किताबें पढ़ने लगती है। तभी उसे किताब में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। स्नो उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि मुझे आपकी सारी बातें कबूल है। ये पढ़कर स्नो हंसने लगती है। तभी स्नो मन ही मन सोचती है, काश मैं अपने पिताजी को यहाँ पर देख पाती कि वो क्या कर रहे हैं, और मुझे अपनी बहनों की भी बहुत याद आ रही है। जैसे ही स्नो ये बोलती है, वहाँ पर लगा हुआ बड़े से आईने में स्नो के पिता दिखने लगते हैं कि वो अपने घर में क्या कर रहे हैं। ये सब देखकर स्नो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शाम के खाने का समय हो जाता है। स्नो अपने खाने की टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस आता है और स्नो से कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ? ये किला तुम्हारा है, तुम जब मर्जी यहाँ आ सकते हो। तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक नज़र देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। और अब ये सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो मैं इस किले से अभी यहाँ से निकल सकता हूँ। हाँ, तुम दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत हो, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर से बहुत खूबसूरत है। शायद तुम खुद को नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें अब समझने लगी हूँ। स्नो के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राक्षस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो वहाँ से मुस्कुराकर वापस चला जाता है। राक्षस हमेशा रात को स्नो से मिलने आया करता था और उसका ध्यान रखता था। धीरे धीरे करके स्नो को भी राक्षस की आदत हो जाती है और उसे राक्षस से बात करना अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन स्नो देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है और वो बहुत ज्यादा बीमार है। उनके पास कोई भी नहीं है। स्नो राक्षस से अपने पिता के पास जाने की अनुमति मांगती है। देखो, मैं अपने पिताजी से मिलने जाना चाहती हूँ। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी।
स्नो की आंखें नम थी और वो बहुत भावुक मन से राक्षस से बात कर रही थी। राक्षस स्नो को उसके पिता के पास जाने की आज्ञा दे देता है। वो उसे अंगूठी देता है और कहता है कि जब वो उस अंगूठी को पहन लेगी तो वो वापस इस किले में आ जाएगी। और स्नो जादू से अपने पिता के पास पहुँच जाती है और वो वहाँ पर अपने पिता की देखभाल करती है। स्नो के पिता ने अपने दोनों बेटी की शादी राजा से कर दी थी, पर वो उनसे मिलने नहीं आती है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो स्नो अपनी पूरी कहानी उन्हें बताती है। काफी समय बीत जाता है और अब स्नो को राक्षस की याद आने लगती है। स्नो अंगूठी पहन लेती है और वापस किले में पहुंच जाती है। तब वो राक्षस को सारी बात बताती है कि पिता घर में अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है, वो अपने पिता को किले में लाना चाहती है। राक्षस इस बात के लिए हाँ कह देता है और स्नो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो पिता को अपने किले में ले आती है। स्नो को अब राक्षस से प्यार हो जाता है और वो राक्षस को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने मेरे पिता को अपना पिता समझा और उन्हें इस किले में रहने की मंजूरी दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राक्षस शादी के लिए हाँ कह देता है। तभी वो राक्षस एक राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार को देख कर स्नो बहुत ज्यादा डर जाती है। आप कौन हो? यहाँ पर तो राक्षस था, वो कहाँ चला गया? मैं ही वही राक्षस हूँ। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दे दिया था, जब तक मुझे कोई लड़की शादी के लिए प्रपोज नहीं कर देती तब तक मैं राक्षस के रूप में रहता। पर तुम्हारी बदौलत आज मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद स्नो। इसके बाद स्नो राजकुमार से शादी कर लेती है और अपने पिता के साथ उस किले में रहने लगती है। राजकुमार स्नो से बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा उसका ध्यान रखता है।